नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, मंगणी वणक्कम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर अविनाश सिंह की फैक्ट यूट्यूब चैनल से। बहुत सारे व्यूअर्स नए जुड़ रहे हैं, इसलिए अविनाश भाई को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। अविनाश भाई IITian है, डेटा साइंटिस्ट, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं, सेफोलॉजिस्ट है, बहुत सारे बोलूंगी पॉलिटिशियंस को मदद करते हैं उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइलिंग में और बाकी चीजों में। और हमारे साथ तो जुड़े हुए हैं, यूट्यूबर भी हैं, की फैक्ट यूट्यूब चैनल। अभी इन्होंने बहुत समय नहीं हुआ है, मैं तकरीबन 1-1.5 साल से इन्होंने काम करना शुरू किया और लोगों का बहुत प्यार और सम्मान मिला है इनको। मैं ये कहूंगी कि अविनाश भाई कई बार धारा से उल्टा भी बोलते हैं क्योंकि इनको ग्राउंड की पकड़ होती है, ये बता देते हैं एग्जैक्ट। तो अगर आपको ये जानना है ना कि 400 पार होगा या नहीं, ये अविनाश भाई से क्वेश्चन जरूर करिएगा क्योंकि ये सही उत्तर देंगे उसका। आज का जो मुद्दा है वो है राहुल गांधी का ये आखिरी चुनाव है और इससे जुड़े हुए छोटे से टॉपिक्स कि प्रियंका गांधी क्या करने वाली हैं, क्या बड़ा धमाल मचाने वाली हैं। अविनाश भाई, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। जी, स्टेज आपका है अब। जी नमस्कार आपको और सभी दर्शकों को। देखिए, ये जो 2024 का चुनाव चल रहा है ना, ये चुनाव बहुत सारे लोगों के पॉलिटिकल करियर का आखिरी चुनाव होने जा रहा है। उसके पीछे कई सारे रीजन है, ऐसा नहीं है कि ये बात ऐसे ही उठ गई। राहुल गांधी लगातार कांग्रेस पार्टी को जोड़ने में, देश तो छोड़ दीजिए, कांग्रेस पार्टी को जोड़ने में विफल रहे हैं। आपको जानकर के हैरानी होगी कि मध्य प्रदेश में ग्राउंड लेवल से लेकर के टॉप लेवल के 35,000 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भाजपा ज्वाइन कर लिया। ये 2000 अभी जो ये विधानसभा चुनाव हुआ है उसके बाद की बात है। आप समझ रही हैं किसी पार्टी के लिए कितना बड़ा सेटबैक होगा। राहुल गांधी चुनाव जीत रहे हैं, हार रहे हैं वो छोड़ दीजिए, अगर आप अपने कार्यकर्ताओं को भी इंटैक्ट नहीं रख पा रहे हैं, आप अपनी पॉलिसी से, आप अपने भाषण से या आप अपने मैनेजमेंट से, तो ये आपके राजनीतिक भविष्य पे गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। ये सिर्फ राहुल गांधी की बात नहीं कर रहा हूं, अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में इस तरीके की चीजें होती हैं तो होना चाहिए। दूसरी चीज है कि राहुल गांधी मोहब्बत की बात तो करते हैं, लेकिन राहुल गांधी 2024 के चुनाव में इतनी नफरत फैलाए हैं कि अगर उनके क्लिपेज, उनके वीडियोज उठा करके लोग देखेंगे और देखने के बाद उस पर विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि इनसे तो अधिक नफरत इस चुनाव में किसी ने फैलाया ही नहीं है। और झूठ तो राहुल गांधी ने ऐसे ऐसे कहानियां बना करके सुनाई है इस चुनाव में जिसका कोई रिलेवेंस नहीं है। आप सोचिए कि अगर राहुल गांधी को थोड़ा भी लोग सीरियस लेने वाले होते इस देश में, मैं एकदम उनके कोर भक्त लोगों की बात नहीं करता हूं, या उनके भक्त तो खैर मोदी जी के होते हैं, उधर तो लोग बताते हैं चमचे होते हैं, मैं उस पर कुछ कह नहीं रहा हूं कौन चमचा है कौन भक्त है, लेकिन जो है वो यही असलियत है। अब आप सोचिए कि सीरियस लेने वाले लोग होते तो राहुल गांधी तो पता नहीं क्या करवा देते देश के अंदर। वो लंदन में बैठ करके बोले भी थे कि देश में केरोसिन ऑयल छिड़का हुआ है और बस माचिस और तीली क्या दिखाने की जरूरत है, सब तरीके की बातें। लेकिन जिस तरीके से बड़े बड़े नेता कांग्रेस पार्टी छोड़ करके चले गए, जिस तरीके से कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी छोड़ करके चले जा रहे हैं, उससे कांग्रेस पार्टी के अंदर एक भय बन गया है कि ये पार्टी कहीं खत्म ना हो जाए। खत्म ना हो जाए तो क्या तरीका है? अब देखिए, शासन तो कांग्रेस पार्टी के अंदर नेहरू गांधी परिवार करेगा, देश में चाहे भले नरेंद्र मोदी करे वो एक अलग मैटर है। तो कांग्रेस ने नेहरू गांधी परिवार अगर करेगा कांग्रेस में शासन, तो कांग्रेस में बचता कौन है? अब बचती है इनकी बहन प्रियंका गांधी। एक चीज और हुआ कांग्रेस पार्टी में, केसी वेणुगोपाल को यह जिम्मेदारी दी गई है कि किसी भी तरीके से कांग्रेस पार्टी और देश के पॉलिटिक्स के अंदर राहुल गांधी को रिलेवेंट बनाए रखना है। समझिएगा, इसको रिलेवेंट बनाए रखना है। इससे प्रियंका गांधी जो है किनारे हो गई हैं। आप सोचिए प्रियंका गांधी के साथ क्या क्या हुआ। लड़की हूं लड़ सकती हूं, उत्तर प्रदेश का प्रभार छीन लिया गया, उत्तर प्रदेश जाने से भी बीच में मना कर दिया गया, प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश नहीं आ रही थी। फिर प्रियंका गांधी को महासचिव बनाया गया, महासचिव विदाउट पोर्टफोलियो, आपने सुना है कभी? एक जस्ट लाइक केजरीवाल हो गया कि मुख्यमंत्री विदाउट पोर्टफोलियो। दिल्ली में केजरीवाल मुख्यमंत्री है विदाउट पोर्टफोलियो। इसी तरीके से प्रियंका गांधी जैसी नेता जो कांग्रेस पार्टी में है, हो सकता है बाहर के लोगों के लिए अच्छी बुरी हो लेकिन उनके पार्टी के लिए तो बड़ी नेता है वो, उनको विदाउट पोर्टफोलियो आपने रखा है। अच्छा, प्रियंका गांधी सोनिया गांधी की सीट से चुनाव लड़ना चाहती थी,
राहुल गांधी अमेठी छोड़ करके रायबरेली पहुंच गए। प्रियंका से बोला गया कि तुम अमेठी लड़ो, प्रियंका ने अमेठी लड़ने से मना कर दिया। तब सोनिया गांधी ने अपने यहां काम करने वाले अपने मैनेजर किशोरीलाल शर्मा को वहां से चुनाव में उतारा। फिर प्रियंका को मनाया गया तो प्रियंका पहुंची अमेठी में कि हम आए हैं, किशोरीलाल को जिताएंगे, दिस दैट दोज कर रही है। अब आप इस बात को इस तरीके से समझिए, प्रियंका के लोगों को कैसे किनारे किया गया। आपने जितने प्रवक्ता देखे हैं ना, ये प्रवक्ता चाहे कुछ भी कहें, चाहे रोहन गुप्ता हो, चाहे गौरव बल्लभ हो, चाहे राधिका खेड़ा हो, ये कुछ भी आरोप लगाएं, लेकिन ये सब प्रियंका गांधी के खेमे की थी या प्रियंका गांधी की तरफ सॉफ्ट कॉर्नर रखती थी। राहुल गांधी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर इनके मन में नहीं था, इसलिए इनके साथ गाली गलौज करना, इनको बेइज्जत करना, दुनिया भर की चीजें हुई इनके साथ। राधिका खेड़ा ने एक आरोप लगाया कि जब भारत जोड़ो यात्रा हो रही थी तब मुझको शराब ऑफर किया गया, मुझको कमरे में बंद कर दिया गया, दुनिया भर की चीजें। क्यों हुआ उस समय? क्योंकि राधिका खेड़ा विरोध कर रही थी, प्रियंका गांधी को बुलाने की बात कर रही थी उस यात्रा में। लेकिन उनका जो प्लान था, उनका जो स्ट्रेटजी, देखिए मैं एक बात बता दूं दर्शकों को, सत्ता ना बड़ी क्रूर चीज होती है, और नेहरू गांधी परिवार हो या पॉलिटिशियंस का, और अब जैसे अखिलेश यादव के परिवार में देख लीजिए किस तरीके से मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव अखिलेश यादव के बीच में भिड़ गया, फिर परिवार अलग अलग हो गया, फिर मुलायम सिंह यादव का जो दूसरा बेटा है बहू वो भाजपा में चली गई। कांग्रेस पार्टी में भी देख लीजिए किस तरीके से राजीव गांधी और सोनिया गांधी, राजीव गांधी और संजय गांधी दो लोग थे, इंदिरा गांधी के बेटे थे। अगर कांग्रेस पे जितना सोनिया गांधी का अधिकार था उतना ही मेनका गांधी का अधिकार था, लेकिन राजीव गांधी के मरने के कुछ साल बाद ही किस तरीके से मेनका गांधी को जब वरुण गोद में थे उनको घर से निकाल दिया गया धक्के मार के, उन्हीं का सेंटेंस है। आप समझिएगा इसको। तो पॉलिटिक्स इस तरीके की क्रूर होती है। वहां भी दो भाई थे, दो भाई की दो पत्नियां थीं, ठीक है, और दोनों विधवा थीं, इस बात को भी समझिएगा। दोनों में भाई जिंदा नहीं थे, लेकिन पॉलिटिकल राइवलरी हुई और आज मेनका गांधी वरुण गांधी बीजेपी में है। और ये लोग जिस लेगेसी की बात करते हैं, उस लेगेसी को केवल ऐसा थोड़ी ना था कि राजीव गांधी का परिवार ही उस लेगेसी को भोगेगा, या जो उन लोगों की प्रॉपर्टी है जो कांग्रेस पार्टी है, भाई उस पे अधिकार तो एक तरीके से मेनका गांधी वरुण गांधी का भी बनता है, अगर यही स्ट्रक्चर है डेमोक्रेसी की तो कोई बात है नहीं वहां पे। लेकिन उनको हटा दिया गया। पंडित नेहरू के खिलाफ थी उनकी बहन विजयलक्ष्मी पंडित, इंदिरा गांधी के खिलाफ थी विजयलक्ष्मी पंडित, और एक समय कांग्रेस उन्होंने छोड़ दिया था इमरजेंसी के बाद। तो ऐसा नहीं कि पहली बार लड़ाई है, तो कांग्रेस पार्टी के टूटने के आसार बन रहे हैं। ये मैं ही नहीं कह रहा हूं, प्रियंका गांधी को आगे करके प्रमोट करने की बात सबसे पहले इस देश में मीडिया के सामने प्रमोद कृष्णम ने कही थी, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने। आचार्य प्रमोद कृष्णम को पार्टी से निकाल दिया गया, समझिएगा इसको। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने यह नहीं कहा कि राहुल गांधी बेकार है, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी टेस्ट एंड ट्रायल हो चुके हैं, अब प्रियंका गांधी को मौका देना चाहिए, वो लीड करनी चाहिए। उनको क्या किया गया? पार्टी से निकाल दिया गया। उन्हीं का ये बयान है, उनका दो बयान था। एक, राहुल गांधी चाहते हैं कि जो अयोध्या में राम मंदिर है उसके फैसले को पलट दिया जाए साहबानों केस की तरह, उन्हीं का बयान है। और वो ये वही कह रहे हैं कि कांग्रेस 4 जून के बाद कभी भी टूटेगी, और टूटेगी तो दो कांग्रेस बनेगी, एक बनेगी कांग्रेस आर मतलब कांग्रेस राहुल, एक बनेगी कांग्रेस पी मतलब कांग्रेस प्रियंका। और यह भी नई बात नहीं है गायत्री जी, आप याद करिए वो दौर इंदिरा गांधी का, जब कांग्रेस टूटी थी तो कांग्रेस आई हो गई थी, कांग्रेस इंदिरा कांग्रेस हो गई थी, और उस कांग्रेस को फिर बाद में राष्ट्रीय कांग्रेस किया, इस तरीके से चीजें, और फिर वो लेकर के उस चीज को कैरी कर रहे हैं। तो ये भी पहली बार नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है कि ये नहीं हो सकता है, यह होगा। राहुल गांधी को या तो छोड़ना पड़ेगा। आप इस देश की राजनीति की एक सबसे बड़ी विडंबना समझिए, राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछ करके एक भी फैसला नहीं होता है। आप ताज्जुब करेंगी कि उनके उनका सबसे बड़ा लीडर, एक तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो बड़ा लीडर ही माना जाएगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वह टोटल कांग्रेस के फंड का 10% भी खर्च नहीं करते हैं, और कांग्रेस के टोटल फंड का 70% अकेले राहुल गांधी खर्च करते हैं। राहुल गांधी क्या है? प्रधानमंत्री है मोदी की तरह? नहीं है। राहुल गांधी क्या बहुत वोट दिलवा देते हैं? नहीं दिलवा पाते हैं। राहुल गांधी पार्टी में कौन से बड़ी पोजीशंस पे हैं?
फिर भी यह भी कांग्रेस पार्टी के अंदर चल रहा है, क्योंकि आपने एक चीज देखा होगा, उड़ीसा में पुरी से संबित पात्रा के खिलाफ चुनाव लड़ते हुए एक महिला ने कांग्रेस का टिकट वापस कर दिया, क्योंकि उसको टिकट देते हुए प्रॉमिस किया गया था कि कांग्रेस की तरफ से तुमको फंड दिया जाएगा, लेकिन जब उसने फंड मांगा तो उसको फंड नहीं मिला, उसने टिकट वापस कर दिया। तो भैया तुम्हारा जो कार्यकर्ता चुनाव लड़ना है, जिसको टिकट दिए हो, उसको फंड की ज्यादा जरूरत है कि राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर उड़ना ही ज्यादा जरूरी है? तो इस सब चीजों से कांग्रेस गायत्री जी जूझ रही है, और जब कोई भी पार्टी इस तरीके की चीजों से जूझती है तो उसका टूटना स्वाभाविक है। जी तो आप ये कह रहे हैं कि 4 जून के बाद जो है कांग्रेस वो टूट के दो टुकड़ों में बट जाएगी, तो राहुल गांधी का क्या होगा? वापस इटली चले जाएंगे सोनिया गांधी जी के साथ में? देखिए देखिए, ये झगड़ा होगा। राहुल गांधी, ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी का टोटल रिलेवेंस ही कांग्रेस पार्टी के साथ है। राहुल गांधी जिस दिन कांग्रेस पार्टी छोड़ेंगे, या राहुल गांधी जिस दिन कांग्रेस पार्टी पे अपनी डील छोड़ देंगे, राहुल गांधी को कोई पूछने वाला नहीं होगा। ना इटली में कोई पूछने वाला होगा, ना लंदन में कोई पूछने वाला होगा, ना भारत में कोई पूछने वाला होगा। आप इस बात को समझ लीजिएगा। आप देखिए कि सोनिया गांधी सक्रिय राजनीति से बाहर चली गई, सोनिया गांधी की चर्चा भी बंद है। अब कोई सोनिया गांधी की चर्चा नहीं करता है, करता है आप देखती हैं किसी डिबेट की पार्टी सोनिया गांधी आज के डेट में नहीं है। लेकिन यही हनक आप 14 और 19 में नहीं कर सकती थी। तब राहुल गांधी पीछे थे, प्रियंका गांधी का तो नाम ही नहीं आता था, वो अमेठी रायबरेली के अलावा कहीं दिखती नहीं थी। तो आप इससे समझ लीजिए। और अब तो लड़ाई इस स्तर पे पहुंच गई है। आप इस चीज को देखिए कि रॉबर्ट वाड्रा जैसे लोग मीडिया को बयान देते हैं कि अमेठी से फोन आ रहा है, अमेठी के लोग कह रहे हैं कि आप यहां से चुनाव लड़िए। आप समझ रही हैं? और रॉबर्ट वाड्रा कौन है? प्रियंका गांधी के हस्बैंड हैं, पति हैं। एक टेबल पे बैठ करके ये लोग खाना खाते हैं। कोट अनकोट मीडिया के द्वारा 17-18 हजार करोड़ की उनकी प्रॉपर्टी बताई जाती है। वह व्यक्ति मीडिया में आकर के कह रहा है, वह व्यक्ति टेबल के खाने पे बैठ करके नहीं कर सकता था? तो इसका मतलब यह है कि परिवार के अंदर एक टेबल पे बैठ करके खाना भी नहीं खाया जा रहा है, इसलिए रॉबर्ट वाड्रा जैसे लोगों को बाहर आकर के इस तरीके का स्टेटमेंट देना पड़ रहा है। फिर भी किशोरी लाल शर्मा को कांग्रेस ने टिकट दे दिया, रॉबर्ट वाड्रा को टिकट वहां से नहीं दिया। राहुल गांधी नहीं लड़ने देना चाहते हैं प्रियंका गांधी को चुनाव। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लोगों में से हैं वो है केसी वेणुगोपाल। केसी वेणुगोपाल को लेकर के संजय निरुपम ने क्या कहा है, केसी वेणुगोपाल को लेकर के संदीप दीक्षित ने क्या कहा है, केसी वेणुगोपाल को लेकर के हरविंदर सिंह लवली जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे उन्होंने पद छोड़ते हुए क्या कहा है, राधिका खेड़ा ने क्या कहा है, और बाकी नेताओं ने क्या कहा है उसको भी देखिएगा। केसी वेणुगोपाल आते हैं केरला से, वो अभी भी उस पद पे बैठे हुए हैं। और एग्जैक्टली जो संजय निरुपम ने कहा ना कि कांग्रेस को 5 लोग चला रहे हैं, कुछ सोनिया गांधी के खेमे के लोग हैं वो चला रहे हैं, कुछ लोगों को मल्लिकार्जुन खड़गे हैंडल कर रहे हैं, एक प्रियंका गांधी का खेमा है, एक राहुल गांधी का खेमा है, और राहुल गांधी के खेमे के साथ एसोसिएट होकर केसी वेणुगोपाल है। अच्छा, केसी वेणुगोपाल क्यों पावरफुल हो जाते हैं? क्योंकि सोनिया गांधी निष्क्रिय है। सोनिया गांधी बहुत सारे मामलों में अब इंटरफेयर नहीं करती हैं या उनको जानकारी नहीं होती है। राहुल गांधी की रिलेवेंस बढ़ जाती है। आपको पता है खड़गे साहब ने केसी वेणुगोपाल से कहा कि भैया किससे पूछ करके तुमने बावरिया को दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, बावरिया को प्रदेश प्रभारी बना दिया, और उसी की वजह से अरविंदर सिंह लवली जैसे नेता और 5 बड़े नेता कांग्रेस छोड़ करके चले गए। आप ये बताइए चुनाव का क्या मतलब होता है? चुनाव में 3 फैक्टर्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं गायत्री जी। एक, पहला, आपके पास लीडर होना चाहिए, आपके पास एक नेतृत्व होना चाहिए। दूसरी, आपकी एक फुल प्रूफ प्लानिंग होनी चाहिए। प्लानिंग में सिर्फ प्लानिंग एक शब्द नहीं होता है, प्लानिंग में आपका नरेटिव क्या होगा, आप कैसे लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे, आप किस तरीके का पार्टी का स्ट्रक्चर बनाएंगे, आपके पास इन स्ट्रक्चर्स को चलाने के लिए पैसा फंड कैसे आएगा, उसको कैसे मैनेज करेंगे, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये सब प्लानिंग का पार्ट होता है। इसके साथ साथ कास्ट कॉम्बिनेशन कैसे बैठाएंगे, इसके साथ साथ रीजनल कॉम्बिनेशन कैसे बैठाएंगे, नेशनल पॉलिटिक्स का कॉम्बिनेशन कैसे बैठाएंगे, यह सब दिल्ली से गायब है। अब उल्टा बीजेपी में आप देखिए,
तो दूसरे तरीके की चीजें हैं, दूसरे तरीके से सारी चीजें होती है। 7 सीटें क्यों दिल्ली में जीत जाती है बीजेपी? इसीलिए जीत जाती है ना कि उसके पास कांग्रेस पार्टी से अलग विजन है। अब एक एक चीज और इसमें देखिए जो और महत्वपूर्ण हो जाती है, अगर पूरी बातों को आप समझेंगे तो, राहुल गांधी को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए ये सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन कार्यकर्ता छोड़ करके चले जा रहे हैं। जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो मैंने 3 आपको बताया, 2 बता दिया, तीसरा बता रहा हूं, कार्यकर्ता। अगर आपके पास कार्यकर्ता नहीं है तो आप ट्विटर और सोशल मीडिया पर ट्रेंड करा करके चुनाव जीत लेंगे या भाषण दे करके चुनाव जीत लेंगे? नहीं जीत सकते हैं। तो कार्यकर्ता तो आपका छोड़ करके चला जा रहा है। हम यहां से सुन रहे हैं ना कि अरविंदर सिंह लवली चला गया, अरविंदर सिंह लवली के साथ 150 आपके बूथ कार्यकर्ता भी छोड़ करके भाजपा में चले गए। तो आप 150 रातों रात खड़ा कर देंगे क्या कार्यकर्ता वहां पे? आपके पास इतनी क्षमता, इतनी शक्ति है, इतना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आपका? अब देखिए होता क्या है, जैसे जैसे लवली बीजेपी में होते, बीजेपी छोड़ करके चले जाते थे, बीजेपी कैडर बेस पार्टी, ठीक है, अगर वो बूथ के कार्यकर्ता भी लेकर के चले जाते तो बीजेपी के पास ऐसा स्ट्रक्चर है कि वो बूथों पे कार्यकर्ता रातों रात बना सकती है। आपके पास वो भी नहीं है, है ना? सब कहते हैं कि मोदी अपने कंट्रोल में पार्टी चलाते हैं, बिल्कुल, शीर्ष नेतृत्व के कंट्रोल में अगर पार्टी नहीं रहेगी तो फिर कांग्रेस हो जाएगी ना पार्टी, होना ही चाहिए ना। देखिए घर में मुखिया एक होना चाहिए, घर में 25 मुखिया नहीं होने चाहिए। और डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी लोग चिल्लाते हैं, वो बात ठीक है, डेमोक्रेसी अपनी जगह पे है। योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर चलाना है तो मोदी जी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, आराम से बुलडोजर चलाते हैं। और उस बुलडोजर को शिवराज सिंह चौहान को फॉलो करना होता तो कोई दिक्कत नहीं, हेमंत बिश्व शर्मा को मदरसा बंद करना होता तो मोदी जी से नहीं पूछते हैं, बंद कर देते हैं वो। तो ये होता है नेतृत्व, इस तरीके से चलती है पार्टी, और ये सब चीज का अभाव है। जबरदस्ती कुछ पुराने लुटियन गैंग जो है उनका जो इकोसिस्टम है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया से भगाए हुए लतियाए हुए पत्रकार हैं, ये लोग मिलकर के हुआ हुआ करके कांग्रेस को जिंदा किया। अब बताइए ध्रुव राठी के वीडियो के ऊपर डिपेंडेंट है कांग्रेस, तो जर्मनी से वीडियो बनाएगा, उसके 20 मिलियन फॉलोअर है, अरे उसके 20 मिलियन फॉलोअर है, नरेंद्र मोदी के 22 मिलियन फॉलोअर है यूट्यूब पे, वोट दे, और वो वोट देने आते हैं क्या जो 20 मिलियन फॉलोअर्स है? बहुत सारे लोग तो ऐसे है जो किसी भी जैसे अब जैसे आपने भी वीडियो देख लिया, मान ला अब तो आप नहीं वोट देती कांग्रेस को। एक जैसे बात बता रहे हैं आपको, 20 मिलियन फॉलोअर अगर ध्रुव राठी के हैं तो 22 मिलियन तो मोदी के भी हैं, क्या मुकाबला करोगे आप सोशल मीडिया पे? तो अब उस वीडियो को काट काट कर चलाएंगे, इससे पता चलता है कि आपके पास विजन ही नहीं है, आपके पास लोग ही नहीं है, आपके पास प्लानिंग ही नहीं है। ये सब सारी चीजें मिलकर के ही ऐसा होगा। आप मान करके चलिए, या तो राहुल गांधी पूरी तरीके से सरेंडर करके प्रियंका गांधी को पार्टी दे करके चले जाएं, अदरवाइज 4 जून के बाद राहुल गांधी का कांग्रेस पार्टी में रिलेवेंस नहीं रहेगा, कांग्रेस पार्टी में भयंकर टूट होगी, अगर टूट लोग नहीं होने देंगे तो। आप मान करके चलिएगा गायत्री जी कि लाखों लाख कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। जी इसमें एक मैं इसमें पृष्ठभूमि समझना चाहती हूँ अविनाश भाई, पीछे जाऊंगी। कहा जाता है कि ये जो अभी आज हो रहा है, जो राहुल गांधी की पप्पू इमेज बनी हुई है, या फिर जो उनके बारे में जोक्स होते हैं, हिमाचल के माल के बारे में बात होती है, ये सारी बातें कहा जाता है कि खुद किसी और ने नहीं, कांग्रेस के एक बड़े गुट ने जो टेक ओवर करना चाहता है उन्होंने ही पूरी पृष्ठभूमि तैयार की है। और प्रियंका गांधी आज से नहीं, प्रियंका गांधी राजीव गांधी की मृत्यु के 2-3 साल बाद से ही पूरी की पूरी कांग्रेस को लेना चाहती थी। G23 भी उन्हीं का ही था, जो G23 ग्रुप बना था कहा जाता है उन्हीं का ही था। हाँ, मास्टरमाइंड है सामने में दिखाने के लिए, डेफिनेटली गांधी परिवार में रही है, कांग्रेस में रही है, बट पीछे से राहुल गांधी के अगेंस्ट में एक जो बहुत बड़ा अब तबका खड़ा हो गया है, उसका मास्टरमाइंड खुद कोई और नहीं, प्रियंका गांधी रही है। आप देखिए ना, अब आप इसको बहुत ध्यान से देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू को कौन सपोर्ट करता है पार्टी के अंदर? आपने पप्पू वाली बात कही ना, नवजोत सिंह सिद्धू को जब भाजपा छोड़ करके गए तो उनको कौन सपोर्ट करता है पार्टी के अंदर? सिर्फ एक व्यक्ति, उनका नाम है प्रियंका गांधी। और राहुल गांधी को पप्पू पहली बार किसने कहा था? नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा था। पूरी तरीके से पंजाब में नेतृत्व को बदलने का काम किसने किया? सोनिया गांधी नहीं चाहती थी कि अब कैप्टन अमरिंदर सिंह को बदला जाए, उसको किया प्रियंका गांधी ने। ठीक है, फेल हो गया, सक्सेस हो गया, वो छोड़ दीजिए, खत्म हो गया। राहुल गांधी, सोनिया गांधी के जितने भी आदमी हैं वो इस समय आज की डेट में पंजाब में नहीं है,
इस बात को आप समझिएगा, पंजाब में बिल्कुल भी नहीं है इन लोगों के आदमी। जी पंजाब में जितना नेतृत्व है वो इनके पास है। हिमाचल में क्या हुआ, हिमाचल में सरकार बन गई, हिमाचल में मेहनत हुई, हिमाचल में सेहरा बांधा गया प्रियंका गांधी के नाम, लेकिन हिमाचल से प्रियंका गांधी को डिस्कनेक्ट कर दिया गया, पोर्टफोलियो महासचिव पोर्टफोलियो विदाउट पोर्टफोलियो बना दिया गया इनको। वहां पे भी बगावत हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि वहां पे दोनों गुट है, मतलब राहुल गांधी गुट और प्रियंका गांधी गुट दोनों वहां पे हावी है। एक गुट सीएम को टारगेट करता है, दूसरा गुट सीएम को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अभिषेक मनु सिंघवी किस गुट के हैं, अभिषेक मनु सिंघवी हैं राहुल गांधी के गुट के। अभिषेक मनु सिंघवी को चुनाव हराने में आपको क्या लगता है भाजपाइयों को बहुत बड़ा रोल है? अरे गलत फहमी है, अभिषेक मनु सिंघवी को हराने में सबसे बड़ा रोल इन्हीं लोगों का है, प्रियंका गांधी और प्रियंका गांधी गुट का, और हरा करके उनको भेज दिया। प्रियंका गांधी ने अपनी ताकत दिखाई कि अभिषेक मनु सिंघवी हो चाहे कोई भी हो, अगर मैं नहीं चाहूंगी तो हिमाचल से वो व्यक्ति चुनाव नहीं जीत सकता है, और नहीं जीते अभिषेक मनु सिंघवी। अभिषेक मनु सिंघवी के पास बहुत पैसा है, बड़े वकील हैं, सारी चीजें हैं। तो आप जो कह रही हो एकदम ठीक कह रही हैं कि प्लानिंग तो इन लोगों के पीछे से है, और धीरे धीरे इनके लोगों को इसीलिए निकाला जा रहा है प्रियंका के लोगों के लिए कि बाद में राहुल गांधी के लिए बड़ी थ्रेड ना बने। लेकिन प्रियंका गांधी भी हैं, कहां मानने वाली। जी मतलब बहन और भाई के कलेश में कांग्रेस पूरी की पूरी डूब गई, मैं ये कहूं अगर तो। अच्छा बताइए सत्ता किसको बुरी लगती है, है? आकाश आनंद ने उल्टा सीधा बोला तो मायावती ने उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया हुआ था और महासचिव बनाया हुआ था, क्वाड्रेटर बनाया हुआ था, सारे पद से बर्खास्त कर दिया भाई। वो सिर्फ मायावती कर सकती है, मेरे ख्याल से पॉलिटिक्स में आज तक कोई ऐसा पॉलिटिशियन नहीं है जिसने इतना स्ट्रॉन्ग कदम उठाया हो, मतलब पर्दे के पीछे डांटना और क्या कही है, कदम तो उठाया है, उस कदम को क्या कहा है? ये नहीं कहा है कि पार्टी का फैसला है, पार्टी के नेता का फैसला है, ये फैसला। उन्होंने कहा कि इन मैच्योर हैं, ट्विटर पे लिखा कि अभी इनको मैच्योर होने की जरूरत है, जब ये मैच्योर हो जाएंगे तब इन पे विचार किया जाएगा, साफ साफ लिखा, और बिल्कुल इन मैच्योर है। आप चुनाव के समय पे किसी को आतंकी कह देंगे, किसी को जूते मारने के लिए कह देंगे, आप चंद्रशेखर रावण उसी कम्युनिटी का नेता है, वो मायावती की इज्जत करता है, मायावती के बारे में हमेशा पॉजिटिव बोलता है, आप उसको बोलते हैं वो कौन है, छोटे मोटे लोगों की बात हम नहीं करते हैं, इस तरीके के कहेंगे आप, हैं? आप तो एक सीट पे जीतने के हकदार नहीं है, वो तो नगीना सीट पे कम से कम उसके जीत की बात तो हो रही है। इसलिए मैं कहता हूं एक एक कार्यकर्ता एक एक वोटर महत्वपूर्ण होता है, उसकी इज्जत करनी पड़ेगी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर चुनाव जीतना है तो। आपके यहाँ कार्यकर्ता चला जा रहा छोड़ के, आपके यहाँ का नेता चला जा रहा छोड़ के, आप कह रहे हैं कोई बात नहीं चलेगा, अच्छी बात है, अद बात है, कौन सी पॉलिटिक्स हो रही है भाई। ठीक है जी, जी बिल्कुल सही। तो इसका मतलब अगर मैं कहूं कि प्रियंका गांधी ने ही ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम राहुल गांधी को सैबोटेज किया तो गलत नहीं होगा। अच्छा एक चीज और है, ये पूरे स्कीम में सोनिया गांधी किसके साथ खड़ी होती है वो तो समझ में आ जाता है, राहुल गांधी के साथ खड़ी है, राहुल गांधी के साथ खड़ी है। वाड्रा सुनने में आ रहा है कि उनका भी कोई भरोसा नहीं है, वो भी एक अलग घर में एक द्वंद छेड़े हुए हैं, प्रियंका गांधी के अगेंस्ट भी छेड़े हुए हैं। जी देखिए रॉबर्ट वाड्रा ने पिछले चुनाव में ठीक ठाक पैसा खर्च किया था उत्तर प्रदेश में, ठीक है। मेरे बहुत सारे कांग्रेसी मित्र हैं तो मैं पूछता था कि भाई इतना सब कुछ चल रहा है तो कैसे चल रहा है, कह रहा है कोई बात नहीं है, दीदी यहाँ लड़ रही है, बढ़िया है, मेहनत करेंगी, सही रहेगा, ये है वो है, और जीजा जी पैसा भेजते हैं, जीजा जी उसको मैनेज कर रहे हैं। तो जीजा जी को प्रियंका गांधी को नेता बनाने के लिए फंड की कमी नहीं है, फंड तो मैनेज हो जाएगा, वैसे भी गांधी परिवार की। लेकिन जीजा जी के कहने का यह मतलब है कि खुलकर के तुम अपनी बात क्यों नहीं रखती हो पार्टी के अंदर। अब प्रियंका गांधी देखिए मौके की तलाश कर रही है, 24 से पहले अगर प्रियंका गांधी विद्रोह करती तो प्रियंका गांधी के खिलाफ लोग हो जाते, 24 से हारेंगे तो प्रियंका गांधी के पास बहुत वेस्ट टाइम होगा, बहुत बेस्ट टाइम, ये आप समझ लीजिएगा। आपको पता है कर्नाटक में डीके शिव कुमार जो हैं वो प्रियंका गांधी खेमे के हैं, सिद्धिरमैया जो हैं सोनिया गांधी राहुल गांधी खेमे के हैं, यही कारण था कि मुख्यमंत्री नहीं बने। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं वो प्रियंका गांधी खेमे के थे, कमलनाथ जो थे वो सोनिया गांधी के खेमे के थे, इस तरीके से चीजें थी। राहुल गांधी के बीच में जो कंफ्लिक्ट पैदा हुआ है सब चीजें, फिर पार्टी छोड़कर को बीजेपी ज्वाइन कर लिए। प्रियंका गांधी ने एक चीज कहा ना कि मैंने उनके साथ काम किया है महाराज, ऐसे वैसे फलाना ढिकाना कुल कह रही थी ना उनको लेकर के,
ये सब चीजें हैं और यही चीजें वहां पे भी चल रही हैं। गहलोत जो हैं उस वो प्रियंका गांधी खेमे में चले आए थे बीच में, उनको लगता था प्रियंका गांधी नेता बनेंगी तो राहुल गांधी से उनकी बगझक हो गई थी। यही कारण है कि अमेठी पे गहलोत प्रभारी बनाए गए हैं और भूपेश बघेल जो है राहुल गांधी खेमे के हैं तो वो रायबरेली पे प्रभारी बनाए गए हैं। तब खेल सब सेट है ना, और बहुत आराम से समझ में आता है अगर आप उस सारी पुरानी चीजों को नई चीजों को जब जोड़ेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। जी बिल्कुल सही अविनाश भाई। एक चीज और बोलना चाहूंगी, भारत के लिए कौन ठीक है, प्रियंका गांधी या राहुल गांधी? देखिए भारत, देखिए उससे पर्सनल मेरा ओपिनियन अगर अगर है तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि भारत के लिए तो कांग्रेस पार्टी की सोच ही ठीक नहीं है, है ना। अच्छा बहुत अंतर नहीं है प्रियंका गांधी और राहुल गांधी में। राहुल गांधी आज क्या बोलते हैं कल क्या बोलते हैं वो राहुल गांधी को पता नहीं होता, या राहुल गांधी में एक चिप फिट कर दी जाती है तो वो टिप रिकॉर्डर की तरह बसते रहते हैं। प्रियंका गांधी में ये चीजें नहीं है। हाँ जब प्रियंका गांधी 150 मंच पे लगातार बोलेंगी तब पता चलेगा कि प्रियंका गांधी के अंदर कितना पोटेंशियल। पोटेंशियल सिर्फ भाषण देने से नहीं होता है, पोटेंशियल उससे भी देखा जाता है कि आप पार्टी को कितना ऑर्गेनाइज करके लेकर के चल रहे हैं। अगर सिंधिया नाराज हैं तो आप एक फोन कर रही हैं तो सिंधिया को मना कैसे रही है ये डिपेंड करता है। आप बहुत अच्छा भाषण देती हैं तो आरएसएस से निकला हुआ कौन सा कार्यकर्ता अच्छा भाषण नहीं दे पाता है। मैं आपको 500 भाजपा में ऐसे नेता बता सकता हूं जो बहुत अच्छा भाषण देते हैं। तो भाषण देना कोई ऐसी बात नहीं है। अब पोल तो तब खुलेगी ना जब आप आएंगी मैदान में, आप लड़ेंगी, आप मुख्य प्रतिद्वंदी जब रहेंगी तब। अब उसका मुकाबला फिर कैसे होगा वो देखने वाली बात। जी पर्दे के पीछे खेलना और पर्दे के सामने आकर खेलने में बहुत अंतर रहता है, और बहुत अंतर वैसे बहुत अंतर। प्रियंका गांधी वैसे जब भाषण देती है अविनाश भाई तो ऐसा नहीं लगता है कि वो पप्पू से बहुत ज्यादा अलग है, तभी उनका नामकरण सोशल मीडिया पे पिंकी कर दिया गया। वो भी एक एक लाइन देख देख कर टटोल टटोल कर पढ़ रही होती है, उसके बावजूद गलती करती है। मतलब पूरी जिंदगी भारत में रही पर भारतीय अभी तक नहीं हो पाई है, मैं ये कहूंगी। अब देखिए आप तैयारी करके आएंगे, आप जानते रहेंगे, और आप देखिए आप अगर तैयारी करके नहीं आएंगे तो फिर आप कुछ कर नहीं सकते हैं उसमें, पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको बोल दूं कि आप देख करके बोलिए, देख करके बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। बहन मायावती भी देख करके बोलती है, बहुत सारे नेता देख करके बोलते हैं, बहुत सारे मैटर देख करके बोला भी जाता है। लेकिन जब आपको उस मैटर के इर्द गिर्द की 10 बातें पता होती हैं तब आप उसको सही से कैरी कर ले जाते हो जनता के बीच में। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है, सिर्फ लाइन पढ़नी है, तब फिर आप गलती करोगे ही करोगे। आपको राजनीति में यह पता होना चाहिए कि आप कहां खड़े हैं, किसके सामने खड़े हैं, किस लिए खड़े हैं, और क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। यह जब आपको भान हो जाएगा तब आप पक्के पॉलिटिशियन हो जाएंगे। मोदी बाबा को यह पक्का पता है, आपको पता है ना, एक डांसिंग वीडियो किसी ने एआई के थ्रू बना दिया, ममता बनर्जी उस पे एफआईआर करवाने लगी, मोदी उसको ट्वीट करके मजा लेने लगे। जानती है क्यों? मोदी को लोग डिक्टेटर कहते हैं, उसने बताया कि देखो असली डिक्टेटर कौन है। अगर किसी ने बना भी दिया मजाक में तो यार क्या हो गया, कौन सा उसमें गाली थी, है अच्छी चीज थी। हो सकता है कि जो 18 साल से लेकर के 25 साल के युवा नए वोटर जो जुड़े हैं, 18 साल से लेकर के 23 साल तक के तो युवा वोटर 5 साल वाले कॉम्बिनेशन में जुड़े ही होंगे, जो 23 साल का हुआ होगा वो भी फर्स्ट टाइम वोटर होगा लोकसभा का, और जो 18 साल का हुआ होगा वो भी फर्स्ट टाइम वोटर होगा। तो हो सकता है कि 18 से 23 वालों को रील के माध्यम से बड़ा बढ़िया लगता है कि अरे दम हमारे लीडर देखो कितना स्ट्रांग है, या चेहरे पे स्माइल ही आ जाती। तो ये टाइमिंग और बिल्कुल टाइमिंग और फ्रेम। हम लोग स्कूल में होते थे तो हम टीचर्स का नामकरण नहीं करते थे, गुलाटी नाम होता तो तुम गुलाब बोलते थे, तो वो बुरा नहीं मानते इन चीजों को। तो वही उन्होंने दिखलाया कि भाई ठीक है, क्या बोलते हैं फनी सा कार्टून है, इसको क्या ऑफेंस लेना। पर उसी चीज को ममता बनर्जी ने अपने अलग एंगल से, पुलिस वाला हो तुम्हारा घर का एड्रेस बताओ, तुम्हारा नाम पता बताओ, हम आ रहे हैं तुम्हारे घर, इस तरीके से धमकी देना शुरू कर दी, तो रियल डिक्टेटर कौन है पता चलता है। और प्रियंका गांधी, एक चीज आपने मुझे कल या परसों के शो में कही थी, प्रियंका गांधी इज नो डिफरेंट देन ममता बनर्जी। ठीक बात है, इस पे आप थोड़ा सा कहना चाहेंगे? देखिए
आप जब डेस्टिनी आप जब इस तरीके से डायनेस्टी पॉलिटिक्स के से निकल करके जब आते हैं, आपके अंदर बहुत एरोगेंस होता है। आपने कभी लालू प्रसाद यादव के बेटे का भाषण सुना है? वो थोड़ा सा कुछ उल्टा सीधा होता है तो तेजस्वी यादव किस तरीके का भाषण देते हैं? आपने कभी अखिलेश यादव का भाषण सुना है? आपने कभी इस तरीके के जितने भी हैं, राहुल गांधी देख लीजिए, चाहे प्रियंका गांधी देख लीजिए, जैसे इनके अंदर ना एक तरीके का अहंकार झलकता है। क्यों झलकता है? क्योंकि इन्होंने कभी संघर्ष नहीं किया, कभी लाठी नहीं खाया, कभी आंदोलन नहीं किया, कभी रोड पे चले नहीं, रोड पे निकले नहीं। अब कंटेनर में बैठ करके यात्रा राहुल गांधी कर लिए तो लोगों को लगता है बहुत बड़ा काम कर लिए। राहुल गांधी, अखिलेश यादव एसी बस में यात्रा करते हैं, तेजस्वी यादव एसी बस में यात्रा करते हैं। कभी लोगों के बीच में जाकर के बैठ करके पॉलिटिक्स किए होते तो फिर इस तरीके की भाषा का प्रयोग नहीं करते। जिस तरीके की भाषा का प्रयोग ये लोग करते हैं, और जो विनम्र बना रहता है, आप देखिए, एक और रामविलास पासवान का बेटा है, वो भी राजनीति में है, उसकी चर्चा क्यों होती है? आप सुनिएगा उसको, उसके अंदर बहुत जोश है, लेकिन वो विनम्र बना रहता है, वो हाथ जोड़ करके खड़ा रहता है, वो उल्टी सीधी चीजें किसी के बारे में भी नहीं बोलता है, इसलिए लोग उसको प्यार करते हैं। बिहार में जितना पॉपुलर मनीष कश्यप, प्रशांत किशोर और चिराग पासवान है, उतना नया कोई युवा पॉपुलर नहीं है। ठीक है, वो उनके साथ आरजेडी है तो आरजेडी के कार्यकर्ता मिला करके उनको पॉपुलर कर देते हैं। ये लोग तो विदाउट बेस पॉपुलर है भाई, 4-5 सीटों को छोड़ करके चिराग पासवान का कोई बहुत बड़ा बेस थोड़े नहीं है रामविलास पासवान की पार्टी का बिहार के अंदर, लेकिन पूरे बिहार में क्यों पॉपुलर है? बिहार के बाहर भी लोग उसकी बात करते हैं, इसको मुख्यमंत्री होना चाहिए। मनीष कश्यप के पास तो वो भी नहीं है, वो क्यों पॉपुलर था? विनम्रता थी, वो रिपोर्टिंग करता था, उसमें भी पब्लिक के तरफ से वो करता था, सरकारों के लिए वो उसके चीजें कड़ी थी। प्रशांत किशोर है, प्रशांत किशोर के अंदर आप एरोगेंस नहीं देखेंगे कि प्रशांत किशोर मीडिया में बैठ के एरोगेंट है। वो अपनी बातों को मजबूती से कहता है, क्योंकि ये लोग समझते हैं चीजों को। ये लोगों को समझ में नहीं आता, इन लोगों को लगता है कि हमारा कार्यकर्ता इसी उत्साह से चलता रहेगा, तो राजनीति बहुत बदल गई है, अब लोगों को बदलने की जरूरत है। जी जी बिल्कुल सही अविनाश भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर की फैक्ट यूट्यूब चैनल एंड द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मुझसे ट्विटर पे या बाकी जगह जुड़ना चाहते हैं तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, Gayatri TAM मेरा ट्विटर हैंडल है, और अविनाश भाई का चैनल जरूर लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। उभरते हुए सितारे हैं ये और बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छी पकड़ है इनकी। इसी के साथ जय हिंद, जय हिंद।